अवसर आगे हम सब लोगों को मिलेगा, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं माननीय अमित शाह जी को प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे हम सबके मध्य आए और अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित एनडीए के संसदीय दल के नेता और देश के फिर से एक बार बनने वाले भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उपस्थित सभी पार्टियों के नेतागण, 353 नए चुने हुए सांसद, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्यगण, आज सभी को सबसे पहले मैं मोदी जी को सर्वानुमत से चुनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मोदी जी का भी बहुत मन से अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 5 साल तक इन्होंने इसी कमरे में, जब उनको नेता चुना गया था, मैं उपस्थित था, अपना एक कमिटमेंट देश की जनता के सामने रखा था, एक संकल्प रखा था, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अहर्निश काम करने का संकल्प, और वो संकल्प से किंचित मात्र चलित हुए बगैर 5 साल तक मन पूर्वक सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सार्थक करते हुए देश की जनता की सेवा की है। और आज फिर से एक बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं उनको हृदय से लाख लाख अभिनंदन भी देता हूं और नई टर्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, ये प्रचंड जनादेश जो हमें मिला है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश, भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आना और एनडीए के 353 सांसद चुनकर आना, ये जनता के प्रचंड जन समर्थन का अभिव्यक्ति है। ये जनादेश कई मायनों में अपने आप में अनूठा जनादेश, 1971 के बाद पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री 5 साल की टर्म समाप्त कर फिर से बड़े बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे मैं मानता हूं कि ये जनादेश की सबसे बड़ा पहलू है। जनादेश जो मिला है वो जब चुनाव अभियान चलता था, चुनाव अभियान के पहले की समय था, तब बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, मगर हर बार हमारे सभी दलों में एक विश्वास था कि हम 50% की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत